जिस समय तू शासन और चीर खींच रहा था द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उस समय भीष्म पर नजर डाली थी कि पितामह तुम बचा लो, द्रोणाचार्य पर नजर डाली, बात करना बंद कर लो गुरुजी तुम बचा लो, पितुर जी बैठे रो रहे थे, धृतराष्ट्र महाराज से कहा कि तुम ही बचाओ, पांचों पांडव बैठे थे लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली जब गर्दन झुका गए थे और दुशासन बार बार चीर को खींच रहा था, उस समय पूरे समाज में किसी ने हाथ उठाकर के ये नहीं कहा कि दुशासन द्रौपदी को छोड़ दो, जब कोई नहीं बोल पाया और तब देखा होगा तुमने दूरदर्शन पर भी महाभारत आया था, जब पूरा समाज मददगार नहीं बना और तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े थे, और उस समय जब हाथ जोड़े थे पूरे समाज में नगर हस्तिनापुर में कोई मददगार नहीं बना द्रौपदी, और तब हाथ जोड़ के कही थी क्या, सामने बैठे हो नहीं तो चीर बढ़ा दो, ध्यान रखना उस समय भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो कुबेर भंडारी हैं उनसे तुम एक ब्लास कपड़ा ले आओ जा मांग लाओ। तो जब रुक्मिणी भेष बदल के गई थी कुबेर के यहां तब कही महाराज
थोड़ा सा मेरे स्वामी ने मंगाओ है, मैं कपड़ा दे दो एक बिला। तो तब कुबेर ने जवाब दिया था, देखिए कितना मददगार बनता है वो मुसीबत में। तो कुबेर ने और रुक्मिणी से कहा, क्या सुनो मात धरी ध्यान, अरे हुकम अब दे गए कोई ज्ञान, सब अत्रा को जा रही है। इतना मदद करता है अगर कोई उसे माने तो।